आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अगर आप इसे मैच करते हैं तो बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट देता है ये लाइव मार्केट में। आप देख पा रहे हैं मैंने चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, साइडवेज मार्केट में आपको अवॉइड करना है इस स्ट्रैटेजी को, और कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी मैं बताती हूँ वो साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करती है दोस्तों। तो साइडवेज मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हो तो ही आपको जो है साइडवेज मार्केट में आपको जो है बड़े लॉस से बचा सकती है मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर एक स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम बैक टेस्टिंग करके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर हम इसे ग्रीन कैंडल को हाई और लो में मार्क कर ले और उसके बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो उस तरफ अगर हम एंट्री ले तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है, उसके बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरफ आपको एंट्री लेना है और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकालना है। बस यही स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया से ये वर्क करती है मार्केट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर आपने इसे हाई और लो को मार्क कर लिया होता और यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री लिया होता इस कैंडल पे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होता। चलिए देख लेते हैं कितना प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते थे तो यहाँ से यहाँ तक का 484 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिला होता। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखे तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया होता, इसके हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है। आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए भी इसे मार्क कर सकते हैं, और हाई और लो को मार्क करने के बाद हमें ब्रेकआउट मिला अपसाइड, अपसाइड ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया होता तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाई एंड लो को मार्क रखना है, जैसे ही लो ब्रेक होगा आप लो में भी एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट पुट साइड भी निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये कौन सा इंडिकेटर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और उसकी सेटिंग भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद हाई एंड लो को मार्क करना है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमने यहाँ पे एंट्री लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है स्ट्रैटेजी। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया होता तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हमें 192 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होता। यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं, बस इस ग्रीन कैंडल को आपको फॉलो करना है, इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन देने के बाद कन्फर्मेशन कैंडल पर आपको एंट्री लेनी है। समझ लीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन कैंडल मिली, उसके बाद हमें यहाँ पर 1:2 का प्रॉफिट बिल्कुल मिला है। अगर आप बिगिनर्स हो 1:2 का प्रॉफिट लेना है आपको, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो यहाँ पे तो अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं जो है इंडिकेटर की सेटिंग बताऊंगी किस तरह से आपको इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके हाई और लो को मार्क कर लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद कन्फर्मेशन कैंडल हमें ऊपर नहीं मिली इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती है दोस्तों। कन्फर्मेशन कैंडल में हर एक वीडियो में बोलती हूँ कन्फर्मेशन कैंडल पर ही आपको एंट्री लेनी होती है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल और एक ग्रीन कलर की यहाँ पर बननी चाहिए थी, तब हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी और यहाँ पर एंट्री बनने के बाद कॉल साइड हमें अच्छा टारगेट मिलता था। लेकिन कन्फर्मेशन कैंडल अप साइड नहीं मिली, नीचे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये कन्फर्मेशन कैंडल हमें मिली। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हम निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ तक का प्रॉफिट हम बुक करते थे, 457 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया हुआ है। कितना बढ़िया प्रॉफिट होता है दोस्तों बैंक निफ्टी में, अगर 400 पॉइंट भी आपको मिल जाते थे इसमें से तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ये माना जाता है। आप देख पा रहे हैं 473 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरह से वर्क करती है दोस्तों। चलिए सेटिंग बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इनसाइड बार सेटअप। इनसाइड बार सेटअप टाइप करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनसाइड बार सेटअप है और इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके चार्ट में ये प्लॉट हो जाएगा। इसकी सेटिंग करनी है आपको, सेटिंग में जाके सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे इसकी सेटिंग करेंगे और देखते हैं हम इम्पोर्ट में जाएंगे। ये जो कलर है ग्रीन कलर का यही रहने देना है आपको। सो लॉन्ग टारगेट वन, इसको आपको टिक रखना है, दूसरे वाले टारगेट को
अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं बार कलर, ये वाला जो कलर है इसे आपके आपको अनटिक कर देना है, बाकी इसे आपको टिक रखना है, इसे आपको अनटिक कर देना है बैकग्राउंड कलर को, और ये दोनों को आपको टिक रखना है। उसके बाद विजिबिलिटी में जाएंगे तो विजिबिलिटी में आपको 1 मिनट को टिक रखना है और आवर को टिक रखना है, बाकी सबको अनटिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद आपको इसके हाई और लो को मार्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकालना है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर। ट्रैप से किस तरह से बचा जाए इस वीडियो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी को, इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी 9 AMA की स्ट्रैटेजी को, 50 AMA की स्ट्रैटेजी को और एक इंपॉर्टेंट 200 AMA की स्ट्रैटेजी को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इन सारे वीडियो को। इन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है दोस्तों। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए एक अपॉर्चुनिटी को, और ये जो वीडियो है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।